आया था मैं, ये डब्बा ले आया पूरा। ये पांच, हाँ ये मिली है, हो जाएगी पूरी। फिर जो गार्ड लगाना पड़ेगा फिर। हाँ जी दोस्त भी आ गया है। हेलो, क्या हाल है आपका? हम आज लगवा रहे थे कॉलेज के अंदर शीट्स, शीट लगवानी थी। एक डिज़ाइनर है, फ्रेंड है, उसने कहा है कि भाई ये वाली शीट्स लगवाओ रूम्स के अंदर। अब हम आपको रूम की सिचुएशन में दिखाएंगे, बताएंगे कि भाई वाली शीट क्यों लगवानी है और उसने किस वजह से कहा है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये हैं जी हमारे डिज़ाइनर अली भाई। अली भाई कहते हैं ये वाली शीट्स लगवाएं, फाइलिंग वगैरह ना करवाएं। ये शीट को काट रहे हैं, शीट को पूरा कर रहे हैं। अच्छा है, आज लग जाएंगी शीटें वगैरह इंशाल्लाह। ओहो ये कौन आ गए हैं? ये हमारे कैंटीन वाले अंकल। और सुनाओ अंकल जी, क्या हाल है आपका? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाओ सेहत तबीयत? ठीक हो। अच्छा ये तो कौन बात है? अभी जा रहा हूँ कैंटीन की तरफ। अंकल मुनव्वर कहते हैं आओ जी, मैं आपको चीज़ वगैरह खिलाता हूँ। और ठीक आ जाते हैं। और हालांकि आज वर्क का डे वगैरह नहीं, अंकल ने पूछा आज कॉलेज ओपन है, क्योंकि अंकल को पता था कि भाई आज शायद कॉलेज के अंदर काम करवा रहे हैं वो, इसी वजह से अंकल भी आ गए आज। ये अब हम पहुंच गए अंकल की कैंटीन में, अंकल की छोटी सी कैंटीन और ज़्यादा चीज़ें वहाँ। अंकल खाली बोल नहीं नहीं है मेरी नहीं, क्या करते बाकर शाह अभी तक सी अंकल जी सारे तक सोने करता शुरू कर देता। में लागे की भूख, अब हम जा रहे हैं होटल पे खाना ऑर्डर करने। आज पापड़ खाए हैं, साथ पापड़ भी खा रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ थोड़े थोड़े। मलक साहब के बाइक पे हम बैठने लगे हैं और हम ये जा रहे हैं। और ये ओपन है, क्लोज है? क्लोज है। हम यहाँ पर काबली पुलाव खाने आए थे, ऐसे कहने पे काबली पुलाव खाने आए हैं, तो आगे से वो अंकल कहते हैं नहीं जी ये तो बंद है। हाँ जी है। कैसी लगी? दाल चावल खानी पड़ेगी, रोटी। अब हम आ गए हैं कराची नसीब बिरयानी पे। यही नसीब है जी, यही कराची नसीब बिरयानी। ये देखें हम तो बच्चे ही रह गए। ये देखें जी बिरयानी, कराची नसीब बिरयानी। हाँ भाई कैसी है ये रोटी? मस्ती कर रहे हैं। ये देखें शीट फिर कैसी लग रही है। बेसिकली यहाँ पर मसला था कि भाई सेम हो रही थी दीवार के अंदर, सेम हो रही थी। ये जिन्होंने शीट लगाई है ना, ये फ्रेंड है अली नेम है इनका, चकवाल शॉप है इनकी। इन्होंने फिर ये कह इनके साथ डिस्कस हुआ, कहते हैं जी भाई आप लोग शीट लगवा के देखें, शीट अच्छी लगेगी, पाइलिंग वगैरह ना करवाएं, क्योंकि कलर वगैरह करवाने का फायदा नहीं, तो सेम के ऊपर कोई भी चीज़ रहती नहीं है। ये देखें, ये बाहर से दिखा रहा हूँ, जैसा कलर का थोड़ा सा इशू हो रहा है, यहाँ पर इसका ओरिजिनल कलर आ रहा है। ये देखें ये शीट लग रही है, बहुत ही अलग किस्म की शीट लगाई है, मतलब कोई फील नहीं हो रहा शीट लगी हुई या नहीं लगी हुई, और इंतहाई मजबूत लगाई है। ये चेक करें, ये देखें अभी इन्होंने यहाँ पे कटिंग करनी है, फिनिशिंग एंड पे करेंगे। और ये शीट ये देखें बहुत तेज हो रहा है। अभी दूसरी शीट लगानी है, दूसरी शीट जो अभी लगानी है वो ये वाली है। ये देखें
ये देखें दूसरी शीट लगाने की तैयारी कर रहे हैं ये हमारे हैं फ्रेंड अली भाई, इनकी शॉप है चकवाल। अच्छा दीवार का ही मसला था, ये देखें सेम इतनी ज़्यादा कि इसने कलर भी ख़राब कर दिया। इस वाली दीवार भी सेम नहीं है, ये वाली दीवार ठीक है और आप देख सकते हैं कि भाई रेशम वाल हुई भी है वैसे सेम कहते हैं फैक्ट्री पर था लेकिन फिर भी सेम ने दीवार का बेड़ा गलत कर दिया। अब यहाँ पर दूसरी वाली लगाते हैं शीट, आप इस वाले रूम के अंदर सेम बहुत ज़्यादा है, आप कंडीशन देख सकते हैं रूम की भी। अब यहाँ पर ये भाई समझ यूज़ नहीं कर रहे, वहाँ पर समझ यूज़ किया और यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं गोला, ये देखें देखें जी गोला हो गया था ख़त्म, ख़त्म नहीं हुआ था एक गोला कम हो गया था, ये लेने आया हूँ गोले ही कहते हैं शायद इसको, गोला गोला फाइबर का बना हुआ है, लकड़ी वाला भी नहीं फाइबर वाला है। ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है लग रहा है अभी, लेकिन कंप्लीट हो चुका है। इसके ऊपर बने हुए सिंग वाले खोते छोटे बने हुए। अच्छा हमको सिखा दिया है, सॉरी 12 सिंग ये देखें टेबल के पास मुझे मिले हैं बिस्किट। ये भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बस इसकी एक साइड रह गई है फिर ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ओहो सुबह आए थे और ये टाइम हो गया है, मगरिब हो गई है, चंदा मामू भी आए हुए हैं मुझे। ओहो एक चीज़ तो मुझे याद ही नहीं रही, आप लोगों का वेलकम करना था। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग, क्या हाल है आप लोगों का, ठीक है खैरियत से हैं? बस यार सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, आगे लोगों को भी बोला करो, शेयर भी किया करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, है आहा
बहुत चंगा ना मैं। ये देखिए पाकिस्तानी आवाम के जुगाड़, उन्होंने बैठ के दिन टाइम खाना खाया, खाना खाया तो टेबल नहीं था, टेबल कौन उठा कर लाए, पेप्सी वाले पड़े थे दो डाले, यहाँ से उठाए यहाँ रखे और टेबल बना लिया। इसे कहते हैं पाकिस्तान, इट्स पाकिस्तान बेबी। ये देखें जी कैसा लग रहा है, ये देखें जी ये हो गया है कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हो गया है। अब दोनों आपके सामने रूम्स हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे बेसिकली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें थोड़ा ना 3D लुक ज़्यादा आ रहा है, वो थोड़ा फील होता है शीट टाइप, यानी शीट लगवाई हुई है, शीट तो खैर ये भी है लेकिन ये अच्छी लग रही है। 5:30 बज चुके हैं, भाई बुला रहे हैं, अली भाई आ रहे हैं भाई। 5:30 बज चुके हैं और काम भी कंप्लीट हो चुके हैं, सुबह 10 बजे के हमारे में लगे हुए हैं। ये देखें इसकी बस फाइनल वो कटिंग रह गई, जो मैंने आपको बताया था कटिंग मेरा हो गई है और ये शीट भी आपके सामने आ गई है। सुबह 10 बजे आए थे, 6 बज चुके हैं शाम के, बाहर फुल अंधेरा हो चुका है, दोनों रूम हो गए तैयार, एक रूम का बैकग्राउंड तो मेरे पीछे है। मुझे फिर कमेंट में लाते बताइएगा कौन सी शीट ज़्यादा अच्छी लग रही है, उम्मीद करता हूँ शायद आप लोगों को भी ये शीट वगैरह पसंद आए, अब तो फिजिकली भी आप लोगों के सामने आ चुकी है, देख लें कैसी लग रही है। पहली फुर्सत में निकल। ओके फिर आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, आज के ब्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं। ओके बाय बाय।